गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी के सेशन में हम लोग क्लास फिफ्थ का इंग्लिश ग्रामर, जो कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, उसका लेसन नंबर टू काइंड्स ऑफ नाउन है। उसके लेट्स डू को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के क्वेश्चन नंबर थ्री तक हम लोगों ने सॉल्व किया था लेट्स डू को। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर से अनुवाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर से हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हो सके फोर फाइव सिक्स जितना हो सकता है हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में के ब्लैंक्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भरिए, जो कि ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है, जो नाउन दिया हुआ है, जो वर्ड दिया हो गया है ब्रैकेट में, उससे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना हो, उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ब्लैंक्स को भरिए। ब्लैंक्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भरिए और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वर्ड आपको ब्रैकेट में दिया हुआ उससे बना हुआ हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना है। तो देखिए, ए है ब्लैंक्स, काइंड इज द वर्च्यू ऑफ द ब्रेव। ये देखिए काइंड है, काइंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा काइंडनेस, तो हम यहां फील करेंगे काइंडनेस। काइंडनेस इज द वर्च्यू ऑफ द ब्रेव। बी है सोल्जर्स आर नोन फॉर देयर ब्लैंक्स, ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ ब्रेव, तो यहां क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ब्रेवरी, तो हम यहां लिखेंगे ब्रेवरी। सॉरी ब्रेवरी, सोल्जर्स आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। ठीक है, सी है कैन यू बिलीव द वुमेन्स ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के लिए वर्ड है, आपको वर्ड दिया हुआ ब्रिलियंट, इसका हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा ब्रिलियंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रिलियंस, बी आर आई डबल एल आई ए एन सी ब्रिलियंस। कैन यू बिलीव द ब्रिलियंस वुमेन्स ब्रिलियंस। उसके बाद डी है आई नीड माई पेरेंट्स ब्लैंक्स टू गो विद यू, ब्लैंक्स के लिए आपको वर्ड दिया हुआ है परमिट, जिसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो परमिट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा परमिशन, तो इसमें हम लिखेंगे परमिशन, आई नीड माई पेरेंट्स परमिशन टू गो विद यू। उसके बाद ई है I waited 1 hour for the blanks of the train. Blanks के लिए आपको वर्ड दिया हुआ arrive, जिसका हम लोग क्या करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, तो क्या होगा arrival, A डबल R I V A L arrival. I waited 1 hour for the arrival of the train. F भगत सिंह showed great ब्लैंक्स एंड फॉर हिज कंट्री। इसमें देखिए ब्लैंक्स के लिए आपको वर्ड दिया हुआ है पैट्रियोट, पैट्रियट, ये पैट्रियोट का क्या हो जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पैट्रियोटिज्म, क्या हो जाएगा पैट्रियोटिज्म, तो इसमें हम लिखेंगे पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म। भगत सिंह शोड ग्रेट पैट्रियटिज्म एंड फॉर हिज कंट्री। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फिल करना था, वो हुआ। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को हम लोग देखेंगे। एक बार आप फोर्थ को देख लीजिए, यहां फोर्थ में ए में काइंडनेस हुआ है, काइंड वर्ड था उसका
एब्सेंट का काइनेटिक्स फील होगा कि आई एम डी एन ई डबल एस। उसके बाद बी में सोर ब्रेव था तो ब्रेवरी हमने लिखा है बी आर ए बी ई आर वाई ब्रेवरी। उसके बाद सी में है ब्रिलियंट था तो हमने ब्रिलियंस लिखा बी आर आई डबल एल आई ए एन सी ई ब्रिलियंस वुमेन्स ब्रिलियंस। अब ब्रिलियंसी हो सकता है। डी है आई नीड माई पेरेंट्स परमिट था तो उसका हमने लिखा परमिशन पी ई आर एम आई डबल एस आई ओ एन परमिशन। उसके बाद ई है आई वेटेड वन आवर फॉर द ऑप्शन था अराइवल का हमने लिखा अराइवल ए डबल आर आई बी एल अराइवल। उसके बाद एफ है ऑप्शन आपको था जिसका आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना था पैट्रियट पैट्रियोट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा पैट्रियोटिज्म तो हमने यहाँ लिखा पी ए टी आर आई ओ टी आई एस एम पैट्रियोटिज्म। आगे हम लोग फिफ्थ को देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये फिफ्थ हम लोग देखते हैं। फिफ्थ में देखिए क्या है वायलेंस क्रुएल्टी काइंडनेस टू एनिमल इज ए पनिशेबल। पहले तो देखिए इसमें ये क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है टिक द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है उसमें जो करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा मतलब जो फिल होना चाहिए वहां पे जो ब्लैंक्स है उसमें फिल होना चाहिए उसको आप टिक करें। तो देखिए फर्स्ट में है ब्लैंक्स डॉग ब्लैंक्स टू एनिमल्स इज पनिशेबल ऑफेंस क्रुएल्टी काइंडनेस पनिशेबल ऑफेंस। जुर्म कौन हो सकता है जिसकी सजा मिल सकती है एनिमल के साथ क्या चीज होना चाहिए काइंडनेस या क्रुएल्टी तो क्रुएल्टी ऑब्वियसली क्रुएल्टी होगा तो क्रुएल्टी को हम टिक करेंगे क्रुएल्टी निर्दयता जुर्म ये जो है ये पनिशेबल ऑफेंस है सजा मिलने योग्य जिसमें सजा मिल सकती है वैसा जुर्म है तो इसमें हम क्या लिखेंगे क्रुएल्टी। ये हमने क्रुएल्टी को हमने टिक किया और यहाँ भी फिल कर देते हैं ब्लैंक्स से तो ठीक है। बी है आई हैव ग्रेट ब्लैंक्स विटनेस प्लेजर टू वेलकम टू यू। क्या अगर किसी के यहाँ कोई आता है तो आपको खुशी होती है या बहुत ये होता है बहुत खुश होती है क्या होता है खुशी होता है तो क्या वो प्लेजर होगा आई हैव ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू पी एल ई ए एस यू आर ई प्लेजर। उसके बाद सी है ही इज ऑन ए इज ऑन ए ब्लैंक पिलग्रिमेज स्टैंड मक्का मक्का किस लिए जाते हैं वो जो है पवित्र एक ये होता है यात्रा होती है जिसे पिलग्रिमेज कहते हैं। यहाँ क्या होगा यहाँ पिलग्रिमेज होगा स्ट्रेंथ बहुत सारे बच्चे स्ट्रेंथ किए थे स्ट्रेंथ नहीं होगा पिलग्रिमेज होगा। मक्का किस लिए जाते हैं वो तीर्थ स्थल जाते हैं मक्का तो यहाँ क्या होगा पिलग्रिमेज। उसके बाद डी है एज द सन वेंट बिलो द हॉरिजन ब्लैंक्स पॉवर्टी डार्कनेस एनवेलप द सन द प्लैनेट। जब सूरज नीचे चला जाता तो क्या होता है गरीबी आ जाती है या अंधेरा छा जाता है अंधेरा छा जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा डार्कनेस हो जाएगा। ऑप्शन आपको दो दिया हुआ है इसमें क्या हो जाएगा डार्कनेस डी ए आर के एन ई डबल एस डार्कनेस। उसके बाद देखिए ई है एज ए पेरेंट्स माई चिल्ड्रेंस ब्लैंक्स इज ऑफ अपमोस्ट इम्पोर्टेंस टू मी। एक बच्चों एक पेरेंट के लिए बच्चे की सेफ्टी सबसे ज्यादा आज इम्पोर्टेंस होती है या उसकी गरीबी सेफ्टी तो यहाँ क्या हो जाएगा सेफ्टी होगा सेफ्टी को ठीक करेंगे यहाँ हम लिखेंगे सेफ्टी। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको ये फिफ्थ में आपको क्या करना था टिक करना था एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो फर्स्ट में
काइंडनेस और क्रुएल्टी है, तो इसमें क्रुएल्टी टिक होगा। बी में है विकनेस और प्लेजर, तो प्लेजर टिक होगा। सी में है पिलग्रिमेज और स्ट्रेंथ, तो इसमें पिलग्रिमेज फील होगा। डी में है पॉवर्टी और डार्कनेस, तो डार्कनेस फील होगा। और ई में है पॉवर्टी एंड सेफ्टी, तो इसमें सेफ्टी टिक होगा। आगे हम लोग सिक्स्थ को देखते हैं। बच्चों ये सिक्स्थ है, सिक्स्थ में ये क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। इसमें आपको कलेक्टिव नाउन को चूज करना है, चुनना है कलेक्टिव नाउन को। दो ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से एक को चुन करके फिल करना है। तो देखिए ए में है ए ब्लैंक्स ऑफ कीज, कीज के ग्रुप की जो होता है, की के गुच्छे को क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। तो यहाँ से आप जो है बंच चुनेंगे और यहाँ फिल हो जाएगा बंच, बी यू एन सी एस बंच। बी है ए ब्लैंक्स ऑफ एलिफेंट्स हार्ड स्वर, क्या फिल होगा, हार्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, हार्ड। उसके बाद सी है ए ब्लैंक्स ऑफ डॉग्स, डॉग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक कहते हैं, ए पैक ऑफ डॉग्स, ये क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा, पी ए सी के पैक। उसके बाद डी है ए ब्लैंक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के झुंड को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, फ्लॉक फिल हो जाएगा, एफ एल ओ सी के फ्लॉक। उसके बाद ई है ए ब्लैंक्स ऑफ प्लेयर्स, टीम बोर्ड या टीम, टीम कहते हैं खिलाड़ियों के ग्रुप, क्या कहते हैं, टीम कहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। उसके बाद सेवेंथ में देखिए, सेवेंथ में कहा जाए सर्कल द कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें जो कलेक्टिव नाउन है उसे सर्कल करना है। ए में है आई बॉट ए लोफ ऑफ ब्रेड एट द मार्केट, तो इसमें कलेक्टिव नाउन कौन है, ए लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसको हम सर्कल करेंगे। उसके बाद बी में है ए हाइव ऑफ बीज अटैक द बॉय, इसमें हाइव ऑफ बीज ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसको हम सर्कल करेंगे। उसके बाद सी में है ए हर्ड ऑफ काउज वॉक अक्रॉस द बार्न, इसमें हर्ड ऑफ काउज क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। डी में देखिए द आर्मी ऑफ सोल्जर्स वॉक अक्रॉस द वर्ल्ड, इसमें आर्मी ऑफ सोल्जर्स ये क्या है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, इसको हम सर्कल करेंगे। उसके बाद ई में है एक ग्रुप ऑफ डांसर परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, ग्रुप ऑफ डांसर ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसे हम सर्कल करेंगे। एफ में है द शेफर्ड ग्रेज्ड ए फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, इससे हम सर्कल करेंगे। तो ये आपका सिक्स सेवेंथ है। आज की के क्लास में हम लोगों ने फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ को सॉल्व किया। नेक्स्ट को हमने अगले वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।